मोदी योगी सरकार बच्चों की शिक्षा और मिड डे मील पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। सर्व शिक्षा अभियान के तहत शिक्षा को लेकर जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। वहीं मिर्जापुर के प्राइमरी स्कूल का एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसे देखकर आप भी सरकार पर सवाल उठाने को मजबूर हो जाएंगे। दरअसल पूरा मामला मिर्जापुर जिले के जमालपुर विकासखंड के प्राथमिक विद्यालय सीउर का है। यहां पर गुरुवार को प्राथमिक विद्यालय में मिड डे मील में बच्चों को सूखी रोटियों के साथ नमक परोसा गया, मतलब बच्चों को खाने के लिए कोई सब्जी या दाल नहीं बनाई गई थी। इसका वीडियो वहां मौजूद किसी ने चुपके से बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। और एक दिन नीमक भात के लिए गई। अच्छा, और आज क्या खाई हो? आज नीमक पढ़ती। क्या किस क्लास पढ़ती हो? पांच में। क्या नाम है आपका? बीठा। पढ़ाई होता है? हाँ। आज दूध मिला है? अब तस्वीरें देखकर हैरान रह जाएंगे। जिन स्कूलों में बच्चों के लिए दूध दही सब्जी समेत अन्य पौष्टिक आहार देने के दावे किए जाते हैं, वहीं यहां पर बच्चों को रोटी और नमक परोसा गया है। अब हम क्या समस्या बताएं? समस्या तो खुद ही बच्चे और बच्चे हैं, जाकर हमला करते हैं, हम क्या बताएंगे? जब बच्चे बताएं और लोग चढ़ कर आए हमसे पूछने, हम क्या बताएं? सर हम कहते हैं, सर हमको डांटने लगते हैं। क्या बोलते हैं? सीधे कहते हैं आपसे मतलब नहीं है। बता दें कि बेसिक शिक्षा में बच्चों की शिक्षा और मिड डे मील पर सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन इसकी जमीनी हकीकत यह है कि बच्चों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। मेन्यू के हिसाब से खाना देना तो दूर, बच्चों को रोटी के साथ नमक परोसा जा रहा है। क्या समस्या आ रहा है स्कूल में? स्कूल में समस्या है कि सर कि यहाँ पर सही समय समय से भोजन नहीं मिल पा रहा था। कहियो नीमक रोटी मिलत बा, कहियो चावल नीमक मिलत बा, दूध आए तो 10 लीटर का बटी, 10 लीटर के ना बटी, केला आई तो थोड़ा 10 लीटर 12 लीटर मिला, फिर केला भी घरे चल जाता बा, यही कुछ समस्या बा। हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद जिम्मेदारों पर कार्रवाई की बात कही जा रही है, पर यह कार्रवाई कब होगी ये कोई नहीं जानता। अभी मेरे भी संज्ञान में आया है, एक जमालपुर का विद्यालय है, प्राथमिक विद्यालय सीउर, वहाँ दो अध्यापिकाएं हैं, एक प्रधानाध्यापिका है, एक शिक्षा मित्र है। प्रधानाध्यापिका अवकाश पे चली गई है, शिक्षा मित्र है, और उस विद्यालय का चार्ज किसी दूसरे विद्यालय के प्रधानाध्यापक को दिया गया है। अभी मेरे संज्ञान में आया है कि उस विद्यालय पे MDM में आज सिर्फ रोटी बनी थी, सब्जी नहीं बनाया गया था। तो अभी मैंने ABSA से आख्या मांगी है, यह गंभीर लापरवाही है। अगर MDM के लिए पैसे का ट्रांजेक्शन हो रहा है, नियमित रूप से उसके लिए पर्याप्त धनराशि दी जा रही है, तो मिड डे मील गुणवत्तापूर्वक बनवाने की जिम्मेदारी प्रधानाध्यापक या प्रभारी प्रधानाध्यापक की है। साथ में अगर कोई स्टाफ है और उसके समय में भी ये नहीं हो पा रहा है, तो विभागीय अधिकारियों को ये अवगत नहीं कराया जा रहा है, अगर कोई विसंगति है तो उनके विरोध भी कार्रवाई होनी संभावित है। मेरे स्तर से BSA को, बेसिक शिक्षा अधिकारी को मैंने सौगात जारी किया है कि आपके जिले में आपके रहते हुए इस तरह की इतनी बड़ी अनियमितता क्यों हो गई, तो BSA का स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया। इन दोनों का स्पष्टीकरण प्राप्त होने पर खंड शिक्षा अधिकारी और BSA का, इनके विरुद्ध भी जो मुनासिब कार्रवाई होगी की जाएगी। सर्व शिक्षा अभियान के तहत भारत में सैकड़ों करोड़ों रुपया पानी की तरह बहाया जा रहा है, लेकिन यूपी के मिर्जापुर से स्कूल की जो तस्वीर सामने आई है वो यूपी की सरकार योगी सरकार पर कालिख पोतने का काम कर रही है। ऐसे में सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सवाल बनता है, क्या इसी तरह से पढ़ेगा इंडिया? क्या इसी तरह से बढ़ेगा इंडिया? न्यूज़ डेस्क।